जय कृष्णा, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कब के बार एकादशी कब की। वीडियो को अंत तक सुनिए। सबसे पहले तो यह मैं निवेदन करूंगा कि अब के बार जो एकादशी है इसकी बहुत बड़ी महिमा है। धर्मराज उष्ट्र ने इसका महात्म भगवान को पूछा है, सुतम रमाया महात्म्यम त्वतः कृष्ण यथात। आपने रमा एकादशी का महात्म विस्तार पूर्वक सुनाया, लेकिन कार्तिकीय शुक्ल पक्ष या ताम में कथयान मान गया, लेकिन कार्तिकेय शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में आप हमें जरूर बताएं। तब भगवान कृष्ण बोले कि शनु राजन प्रवक्ष्यामि शुक्ले चोर जदले तु या। हे राजन, शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है इसका महात्म्य बड़ा अद्भुत है, जो कि देवर्षि नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाया था। इस एकादशी का जो नाम है वो हरि प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी है। बहुत बड़ी महिमा है इसकी। अश्वमेध सहस्त्राणी राज श्री शतानि च एकैन उपवासेन प्रबोधिन्यां लभेन नर। हजार अश्वमेध यज्ञ सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने से इतना फल प्राप्त होता है, हरि प्रबोधिनी एकादशी का सिर्फ एक व्रत करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। एकादशी व्रतानाम यो महात्म्य सुनते नर। जो एकादशी की महिमा महात्म्य सुनते हैं, सर्व पाप निर्मुक्त विष्णु लोके मह्यते, उन लोगों के संपूर्ण पाप जल जाते हैं और वह विष्णु लोक के लिए प्रस्थान करते हैं। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष 2024 अब के बार ये हरि प्रबोधिनी एकादशी है, वो मंगलवार यानी 12 नवंबर को पड़ रही है। और आनंद की बात यह है कि उदिता में है और शाम को द्वादशी चल करके आ जाएगी। यदि एकादशी द्वादश वेदी होती है तो उसका अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। यदि एकादशी में दशमी आ रही हो तो भूल करके भी उस ग्यारस के व्रत को नहीं करना चाहिए, उसे त्याजित कर देना चाहिए। एक नैक उपवासेन दहेति पाप नाशिनी। एक ही एकादशी पापों को जला करके राख कर देती है, इसलिए हरि वैष्णव जनों को चाहिए वह एकादशी का व्रत जरूर करें। हर प्रबोधिनी एकादशी इतनी अद्भुत एकादशी है। यदि किन्हीं बच्चों का विवाह बन नहीं रहा हो पंचांग में, तो इस एकादशी के दिन उनका विवाह कर देते हैं। सब लगन वार तिथियां सब शुभ होती हैं अपने आप में। यह महिमा इस ग्यारस की है। और आनंद की बात यह है कि चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, सबका फल बराबर है। एकादशी वितानाम च पक्षयोरनुभयोरपि यथा कृष्ण तथा शुक्ला विभेदम नैव कारयेत। दोनों एकादशियों में बिल्कुल किसी भी प्रकार का भेद नहीं समझना चाहिए, दोनों का फल बराबर है। तावत गर्जंत विपेंद्र गंगा भागीरथी क्षति। तब तक ही पुण्य गर्जना करते हैं जब तक लोग इस ग्यारस का व्रत नहीं कर पाते। कहा गया है कि पूर्व जन्म सहस्रेषु यत् पापं सम्पार्जितम्। पूर्व के हजारों हजारों जन्मों के भी पाप हों तो भी उन अपराधों को यह एकादशी दग्ध कर देती है, यानी जला करके राख कर देती है। यह महात्म यह महिमा इस एकादशी की है 2024 कार्तिक शुक्ल पक्ष। और आप 12 नवंबर दिन मंगलवार को ही एकादशी का व्रत कीजिए। एकादशी के व्रत में क्या खाना पीना है वो सब हमने वीडियो के माध्यम से आपको बता रखी है। बड़े भाव के साथ में गोविंद का नाम लेते हुए और आप ग्यारस का व्रत करें। हर प्रबोधिनी एकादशी आप सबके लिए मंगल हो। और भी लोगों को जानकारी मिले कि हर प्रबोधिनी देव उठनी एकादशी कब की है और उससे वह लाभान्वित हो सके, इसलिए इस वीडियो को आगे भेजिए। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गो माता, जय राधे श्याम। हर हर महादेव, घर घर महादेव।